उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। फॉरेस्ट के लापरवाह अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 3 रेंजर समेत 17 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिसमें 3 फॉरेस्टर समेत 10 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। 2 रेंजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 1 रेंजर समेत 5 कर्मचारियों को अटैच किया गया। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जंगलों की आग को बुझाने के लिए जो किए जा रहे हैं उनका पूरा अपडेट भी लिया। सीएम धामी ने कहा कि जंगलों की आग पर जल्द काबू पाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। देश भर में चुनाव प्रचार रद्द करके देहरादून लौटे सीएम धामी जंगल की आग पर एक्शन लेते नजर आए हैं। सीएम धामी ने 10 अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है, तो आग के सबसे बड़े कारण पिरूल पर भी बड़ा फैसला लिया है। गढ़वाल से कुमाऊं तक जल रहे जंगलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई बार अपनी चिंता जता चुके थे। पिछली मीटिंगों में मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट के सीनियर अफसरों को भी फील्ड में उतरने के निर्देश जारी किए थे। इस बीच अपने चुनावी दौरों को स्थगित कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से फॉरेस्ट फायर पर रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री पूरे फॉर्म में नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने आग बुझाने में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया। 3 फॉरेस्ट समेत 10 कर्मचारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के रेंजर गोपाल दत्त जोशी समेत 5 कर्मचारियों को अटैच कर दिया गया है। लैंसडोन डिवीजन के रेंजर विपिन चंद्र जोशी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेंजर प्रदीप कुमार गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लाया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें, और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जो जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जंगलों में आग लगने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी पिरूल को लेकर भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन शुरू करने की भी घोषणा की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत पिरूल के लिए 50 करोड़ का कोपर्स फंड बनाया जाएगा। पिरूल इकट्ठा करने के लिए अभी तक 5 रुपए प्रति किलो दिया जाता था, मुख्यमंत्री ने इसको बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलो कर दिया है। अब तहसील स्तर पर पिरूल कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। आप देखेंगे तो जंगल में अगर पिरूल हट जाता है तो आपकी लगभग वनाग्नि की संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए अगर आप एक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को समझ जाते हैं, उसमें बिजनेस साइकिल समझ जाते हैं, तो अगर आप उस पिरूल को एक वैल्यू दे रहे हैं तो उसी कारण लोग उससे जुड़ जाएंगे, लोगों को अपनी आर्थिक सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा। जंगल की आग पर सीएम धामी के फैसले मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं, खास तौर पर पिरूल को लेकर लिया गया फैसला। उत्तराखंड में करीब 4 लाख हेक्टेयर में चीड़ के जंगल हैं, जिसमें करीब करीब हर जिला शामिल है। ऐसे में अगर जंगलों से पिरूल को हटा दिया जाता है तो जंगल में आग की घटनाएं वैसे ही कम हो जाएंगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है वो लिस्ट आपको हम दिखाते हैं। मनोज उनियाल वन दरोगा निलंबित कर दिए गए हैं, रविंद्र सिंह वन आरक्षी निलंबित किए गए, विनय कुमार छिंद्रे वन आरक्षी निलंबित किए गए, सूरज सिंह रावत ड्राइवर निलंबित, प्रमोद कुमार रतूड़ी कनिष्ठ सहायक निलंबित, प्रहलाद सिंह गोनिया वन दरोगा निलंबित, कृपाल सिंह गोस्वामी वन आरक्षी निलंबित,
शंकर सिंह वन आरक्षी निलंबित, बद्रे सिंह चिलवाल वन दरोगा निलंबित, हरीश सिंह मेहरा वन दरोगा निलंबित, गोपाल दत्त जोशी वन क्षेत्राधिकारी संबद्ध, महेश चंद्र आर्य वन आरक्षी संबद्ध, नरेंद्र सिंह बिष्ट वन आरक्षी संबद्ध, पूरन चंद्र आर्य वन दरोगा संबद्ध, संदीप सूठा वन दरोगा संबद्ध, विपिन चंद्र जोशी वन क्षेत्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया, प्रवीण कुमार गौड़ वन क्षेत्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जंगल की आग में पिरूल सबसे बड़ा रोल निभाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग के जंगल में बिखरे हुए पिरूल के पत्तियों को इकट्ठा किया और लोगों को संदेश दिया कि पिरूल की सूखी पत्तियां वनाग्नि का सबसे बड़ा कारण होती हैं, वो एक तरह से फ्यूल का काम करती हैं। सीएम ने सभी लोगों से अपील की है कि सभी लोग जंगलों को बचाने के लिए काम करें। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इसे अभियान के रूप में संचालित करने का प्रयास करें। वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी कार्य कर रखी है। इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड पृथक रूप से रखा जाएगा। हम ठोस नीति बना रहे हैं, इस बार फायर लाइनों में भी मैं जाऊंगा, फायर लाइन बनाने का काम भी हम लोग करेंगे और जन जागरूकता के लिए मैं स्वयं भी जाऊंगा, हमारे अपने अन्य साथियों से भी कहूंगा, पार्टी के लोगों को भी कहूंगा, हमारे सभी अधिकारियों का भी मैंने आह्वान किया है कि जो व्यवस्थाएं पहले समय में होती रही हैं वो व्यवस्थाएं हों। और पिरूल को लेकर क्योंकि हम लोग दो कंपनियों के साथ हमने MOU भी किया है, हमारा वन विभाग और जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो मिलकर इसमें योजना बना रहे हैं कि पिरूल का हम दाम भी बढ़ाएंगे और हमारे पिरूल कलेक्शन सेंटर भी जो है सरकार के स्तर पर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में जंगल की आग का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि जंगल की आग पर जल्द रोक लगाने के लिए सरकार को निर्देशित करें, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि जंगलों की आग बुझाने के लिए सरकार क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आग की भयावह तस्वीरें आ रही हैं और हम सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रह सकते। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी। तो देखिए, जंगल की आग में पौड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित था और अब यहां से अच्छी खबर है। पौड़ी में भारतीय वायुसेना की मदद लेकर लगातार 3 दिनों तक MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल की आग बुझाई गई है। आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के बाद अब वायुसेना की टीम और हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया गया है। बीते 3 दिनों में हेलीकॉप्टर ने डोबश्रीकोट, बंगवाड़ी समेत आदवाड़ी और चुरकुंडी के जंगल की आग पर काबू पाया। बुधवार को भी जिले में 11 वनाग्नि की घटनाएं हुई जिसमें अदवाड़ी और खिरसू मार्ग पर चुरकुंडी के जंगल में भीषण आग लगी रही, जिस पर हेलीकॉप्टर ने सुबह से ही अलकनंदा नदी पर बने जीवी के डैम से पानी भरकर जंगल की आग शांत होने तक बौछारें की। अभी तक की सॉर्टीज का नंबर 15 था और आज भी उसमें मल्टीपल सॉर्टीज की 7-8 सॉर्टीज, तो उसके बाद में जो DFO स्तर से मुझे इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं उनके बेसिस पे उसको डी रिक्विजिशन करके ऑपरेशन को कॉल ऑफ किए जाने का निर्णय लिया गया। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हम वापस भेज रहे हैं। फायर सीजन की आग की बात करें तो अब तक फायर सीजन में 1000 से ज्यादा जंगल जल गए हैं और 1318 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया आग से प्रभावित हुआ है। वहीं जंगल की आग के चपेट में आकर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जंगलों की आग से अभी तक 29 लाख की वन संपदा का नुकसान हुआ है।
उत्तराखंड में जंगल की आग का सबसे ज्यादा असर कुमाऊं में हुआ है और यहां 4 लोगों की मौत तक हो चुकी है। लेकिन हालात ये हैं कि जोन में वन विभाग में कर्मचारियों का भारी टोटा पड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों का नॉर्थ जोन फॉरेस्ट फायर के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इस जोन में चीड़ के पेड़ होने के कारण यहां अक्सर जंगल धधकने लगते हैं। इस सीजन की गर्मी शुरू होने के साथ ही नॉर्थ जोन के जंगल आग में लिपट गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं इसी जोन में हुई हैं। कुमाऊं के नॉर्थ जोन में अब तक 344 घटनाओं में 535 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। जंगलों के धधकने के पीछे स्टाफ की कमी भी एक बड़ी वजह बन रही है। फॉरेस्टर्स में हमारा पास 147 फॉरेस्ट गार्ड है और 348 पद के सापेक्ष, ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड्स में 474 स्वीकृत पद के सापेक्ष 399 फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे पास है। कुमाऊं के नॉर्थ जोन में डिप्टी रेंजर के 60 पद हैं, जबकि तैनाती सिर्फ 35 में ही हो पाई है। वहीं वन दरोगा के भी 57 पद खाली पड़े हैं, जबकि वन रक्षकों के 474 पदों के मुकाबले सिर्फ 399 ही तैनात हैं। बात अगर फॉरेस्ट फायर की करें तो पिथौरागढ़ में 114 घटनाओं में 172 हेक्टेयर जंगल जल चुका है, जबकि अल्मोड़ा में 74 घटनाओं में 110 हेक्टेयर, चंपावत में 70 घटनाओं में 73 और बागेश्वर में 35 घटनाओं में 55 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। वहीं सिविल सोयम में भी 51 फॉरेस्ट फायर में 124 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। वन विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, अगर वो पद भरे होते तो आज जो जंगलों में आग लग रही है शायद उसको बहुत हद तक काबू पा लिया जाता। आज सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, फॉरेस्ट विभाग के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, वन विभाग के पास कोई ऐसी योजना नहीं है। इस बार पहाड़ के जंगल जिस तेजी से आग की भेंट चढ़ रहे हैं उससे वन विभाग की प्लानिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि राज्य बनने के 24 साल बाद भी आग पर काबू पाने के लिए वन महकमा अभी तक क्यों नहीं कोई मॉडर्न तरीका तलाश कर पाया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उपरेती की रिपोर्ट। और पहाड़ों पर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बारिश शुरू हो गई है। बागेश्वर में तो भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और ओलावृष्टि के बाद चारों तरफ सफेद चादर नजर आ रही है जिसमें किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि बारिश के बाद जंगल की आग से राहत मिली है और यहां आग पूरी तरीके से बुझ भी गई है, लेकिन नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहाँ स्तरीय नदी में खासा उफान आ गया है और जल स्तर बढ़ गया है, जबकि कई अन्य नदियां भी उफान पर आ गई है। वहीं पर गोगिना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 500 बकरियों के मारे जाने की भी खबर है। प्रशासन की टीम रवाना हो गई है। ये भैया बीआरओ वालों की मशीन देख लो है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रोक लगा दी है और शिफ्टिंग से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही IDPL ऋषिकेश में हाईकोर्ट की एक बेंच बनाने को लेकर सरकार और वकीलों में सुझाव मांगे हैं। चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी ने बार से कहा है कि वो एक हफ्ते के भीतर सभी सुझाव दें ताकि याचिका की सुनवाई के वक्त उन पर विचार किया जा सके। आज सुबह चीफ जस्टिस कोर्ट ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी की कोलापार में शिफ्टिंग न करने का फैसला दिया और कहा कि वहां पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट की मदर बेंच नैनीताल में ही रहेगी, जबकि सरकार ने कहा था कि ऋषिकेश में एक बेंच बनाने पर अपना जवाब दें। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट के वकील खासा नाराज दिखे और बाद में वकील चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी से मिले। कोर्ट आज IDPL के एक मामले पर सुनवाई कर रही थी और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव समेत कुछ अधिकारी कोर्ट में भी पेश हुए थे। एक एक बात आई थी कहीं से कि हाई कोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया को दिया था,
उस पर अब ये हुआ है कि बाहर से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी एक हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर अब काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सुटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे के बीच रायवाला के इस सरकारी स्कूल में दो दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर इलाके में सन्नाटा पसर गया। इस स्कूल में कुल 52 स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल समेत दो टीचर का स्टाफ है। आरोप है कि स्कूल के टीचर मनोज गुरुनी ने 8 से 9 साल के कुछ बच्चियों को अश्लील वीडियो क्लिप दिखाई और फिर स्कूल के दूसरे कमरे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत करने लग गए। लेकिन इस बीच प्रिंसिपल वहां पहुंच गई जिसके चलते टीचर की हरकत का पर्दाफाश हो गया। न्यूज सिटी ने घटना के बारे में प्रिंसिपल से जानना भी चाहा तो वो इस मनोस्थिति में नहीं थी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो ये सरकारी स्कूल के टीचर की शर्मनाक करतूत है। पेरेंट्स ने शिकायत की थी कि हमारे बच्चों को कोई टीचर जो है परेशान कर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है और अश्लील वीडियो दिखा रहा है, तो उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना रायवाला में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें SI प्रीति सैनी इसकी जांच कर रही है। सर, क्या अभी आरोपी जो टीचर है वो पकड़ा गया अश्लील कुछ ऐसे? हाँ, देखिए अभी प्रथम दृष्टया अभी उसमें पूछताछ की जा रही है, अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही एविडेंस कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद अरेस्टिंग होगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में रेस्टोरेंट में लगी आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग लगती देख सभी दुकानदार आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही हर की पैड़ी चौकी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण सिलेंडर लीकेज होना बताया जा रहा है। आग से रेस्टोरेंट का सारा सामान जलकर आग हो गया। गनीमत रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। दस मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए आज से काउंटर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हरिद्वार के पर्यटन कार्यालय परिसर में की गई व्यवस्थाएं पहले दिन नाकाफी नजर आई हैं। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन यहां पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रजिस्ट्रेशन की रफ्तार धीमी होने से यात्रियों को काफी नाराजगी देखी गई। उनकी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस की तैनाती की गई। यात्रियों का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। हरिद्वार पहुंचने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चला। कई लोग सुबह 5 से कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ठीक चल रही है। हम लोग को अभी लाइन में खड़े थे और बार बार निकल रहे थे, उधर से धक्का आता है तो हम लोग को लाइन में भी हम लोग निकाल दिया। अभी तीसरी बार हम लोग लाइन में खड़े बिना खाए पिए बिना पानी पिए। अभी सुबह में हम लोग 8 बजे से आए हैं। उम्र आने वाला था, 10-12 आगे थे तो हमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कौन मार रहा है धक्का यहाँ पे? कोई भी पब्लिक मार के कोई भी मार देता है धक्का मार के, तो हम सीनियर सिटीजन क्या करें? कहाँ से आए? इतनी एस्पेक्ट नहीं थी लेकिन भीड़ काफी आ गई है और क्यू में चल रहा है पंजीकरण। हर धाम के लिए 500 की संख्या दी गई है, चारों धाम के लिए 2000 हो गए और पुलिस भी फोर्स भी है और कोशिश की जा रही कि सभी को आसानी से किया। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में देश भर से आने वाले यात्रियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं लेकिन शुरुआत में ही व्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों में नाराजगी दिखी। यात्रियों का कहना है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं लेकिन व्यवस्थाओं को देखने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के साथ ही रुद्रप्रयाग में भी बैठक ली और अधिकारियों को व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने मीटिंग के बाद बताया यात्रा से जुड़े सभी विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। सीएम ने कहा कि यात्रा को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हैं। इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी विभागों को अपनी अपनी उन्होंने तैयारियां की हैं, तैयारियों का एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। यहाँ भी इस बार चूँकि बाबा केदार की यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और ज़्यादा होने की जो संभावना है या जो भी आकलन आ रहे हैं तो अच्छी होनी चाहिए, उसके निमित्त यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी बहुत सारे काम किए हैं।